नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन से इज अ मैन विद मासबल टू एट्टी के जी इज स्टैंडिंग ऑन अ ट्रॉली ऑफ मास थ्री ट्वेंटी के जी ऑन अ स्मूथ सरफेस इफ मैन स्टार्ट टू वॉक या मैन स्टार्ट वॉकिंग ऑन द ट्रॉली अलॉन्ग साइड रेल एट अ स्पीड ऑफ वन मीटर पर सेकेंड देन आफ्टर फोर सेकेंड हिज डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव टू ग्राउंड विल बी ग्राउंड के रिलेटिव क्या होगा वो मैं बताऊँ ऑप्शन है फोर मीटर थ्री पॉइंट टू फोर पॉइंट एट या सिक्स मीटर नाउ सिनेरियो ये है कि ये आपका मान लीजिए एक पर्सन है ऐसे ट्रॉली के ऊपर खड़ा हुआ है और ट्रॉली आपकी फ्रिक्शन लेस पे ऐसे खड़ी हुई है ट्रॉली का वजन दिया है आपको थ्री ट्वेंटी के जी और मैन का मास दे रखा है आपने को एट्टी के जी ट्रॉली 320 थ्री ट्वेंटी के जी मैन इज़ एट्टी के जी ना अगर ये बंदा यहाँ पे इस डायरेक्शन में मूव करने लगता है ना आप इसको ग्राउंड फ्रेम से देख रहे हैं Right? तो इस बंदे ने यहां से वन मीटर पर सेकेंड यहां से वॉक करना स्टार्ट किया नाउ दिस वेलोसिटी जो ये दी हुई वन मीटर पर सेकेंड दिस इज विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली दिस इज नॉट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड और मान लीजिए इसकी वजह से ट्रॉली अगर यू वेलोसिटी से पीछे जाने लगी तो इसकी एक्चुअल वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड हो जाएगी वन माइनस यू राइट बिकॉज यू की वजह से आपका ग्राउंड या ट्रॉली पीछे चल रही है सो विद रिस्पेक्ट टू आपका इनर्शियल फ्रेम जो है उसमें आपकी ये वेलोसिटी हो जाएगी वन माइनस यू ना इस केस में अगर हम मोमेंटम कंजर्व कर दें सो so, क्योंकि आपका सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का आपका जीरो है विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम सो पहले अगर हम मैन uh, का मोमेंटम लिखे सो दिस विल बी इक्वल टू एट्टी मल्टीप्लाइड बाय वन माइनस यू प्लस uh, इसमें अब uh, ट्रॉली का मोमेंटम लिखेंगे सो दैट विल बी इक्वल टू थ्री ट्वेंटी मल्टीप्लाइड बाय माइनस यू ना दिस विल बी इक्वल टू जीरो इसको अगर हम एक्सपेंड करें एट्टी माइनस ये हो गया आपका ये एट्टी माइनस एट्टी यू माइनस थ्री ट्वेंटी यू और यू वाली टर्म उधर ले जाए सो एट्टी प्लस थ्री ट्वेंटी हो जाएगा आपका फोर हंड्रेड सो फोर हंड्रेड यू विल भी इक्वल टू एट्टी विच एम्प्लाइज यू विल बी इक्वल टू एट्टी डिवाइडेड बाई फोर हंड्रेड सो देट विल बी इक्वल टू वन बाय फाइव यानी कि दिस विल भी इक्वल टू ज़ीरो पॉइंट टू मीटर पर सेकेंड ठीक है सो ये आपकी ट्रॉली की स्पीड आई विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ठीक है अब अगर बंदे की बात करें सो so मैन की जो वेलासिटी है मैन की वेलासिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो हो जाएगी वन माइनस ज़ीरो पॉइंट टू यानी कि ज़ीरो पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड और उसका डिस्प्लेसमेंट जो आएगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दैट विल बी इक्वल टू उसकी स्पीड 0.8 पॉइंट एट मल्टीप्लाइड बाय उसका टाइम फोर सेकेंड्स सो दिस विल बी इक्वल टू थ्री पॉइंट टू मीटर थ्री पॉइंट टू मीटर तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बंदा जो आगे चला दैट विल बी थ्री पॉइंट टू मीटर ट्रॉली के रेस्पेक्ट में उस बंदे को ऐसा लगेगा कि मैं चार मीटर चलाऊ बट ट्रॉली आपकी पीछे सड़क गई तो एक्चुअली वो 3.2 मीटर चला है हैंड्स ऑप्शन नंबर थ्री वुड बी द राइट आंसर आई होप ये सोलूशन आपको समझ में आया